खोल दे पंख मेरे, कहता है परिंदा मुझे। अरे खोल दे पंख मेरे, कहता है परिंदा मुझे। अभी और उड़ान बाकी है, अभी और उड़ान बाकी है। जमीन नहीं है मंजिल मेरी, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। माँ सरस्वती को नमन करते हुए आज हम अशोका क्लासेज के अशोका स्टडी चैनल में हम पढ़ेंगे घन और पाशा। पाशा, देखो देखो दोस्तों, पाशा क्या होता है? एक ऐसी आकृति जिसकी, देखो हम बात करेंगे पहले घन की, एक ऐसी आकृति जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई समान हो। जैसे देखिए यह आकृति है, इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई समान हो वो एक घन कहलाता है। और घन के ऊपर यदि कोई नंबरिंग अंकित कर दी जाए, नंबरिंग 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस प्रकार नंबरिंग कर दी जाए तो वो हो जाता है पाशा। देखिए आजकल लॉकडाउन में एक गेम चलता है लूडो। लूडो आप खेलते होंगे, लूडो देखा भी होगा मोबाइल में। वो एक प्रकार की, मतलब जो लूडो में जो काटी होती है वो पाशा ही होता है। देखिए ये पाशा दो प्रकार का होता है, एक होता है मानक पाशा, मानक पाशा, और दूसरा होता है साधारण पाशा, साधारण पाशा। मैं थोड़ी बहुत परिभाषा बताकर आपको और हम चैप्टर शुरू करते हैं, ठीक है। मानक पाशा क्या होता है? वह पाशा जिसके विपरीत फलकों का योग, वह पाशा जिसके विपरीत फलकों का योग 7 हो वह मानक पाशा कहलाता है। आप ये देख रहे हैं, ये देखो ये इसकी एक फलक है, इस फलक पर 1 नंबर है और इस नंबर के पीछे 6 है, तो 6 और 1 हम टोटल करेंगे, 6 और 1 ये हो गया 7। इसी प्रकार देखिए ये नंबरिंग आपको दिखाई दे रहा है, इस ये नंबरिंग है 3 और इस 3 के पीछे क्या है 4, 3 और 4 इसका टोटल करेंगे 7, ठीक है। ये देखिए ये नंबरिंग है 5 और 5 के ठीक पीछे है 2, तो ये टोटल हो गया 7। यानी वह पाशा जिसके विपरीत फलकों का योग 7 हो, विपरीत फलकों का योग 7 हो वह मानक पाशा कहलाता है। विपरीत फलकों का योग सात हो, वह पाशा जिसके विपरीत फलकों का योग 7 हो मानक पाशा कहलाता है, और जिसमें विपरीत फलकों का योग 7 नहीं हो वह साधारण पाशा कहलाता है। देखिए इनके बारे में हम थोड़ा और आगे पढ़ेंगे। जैसे अपने पास अपने जब क्लास में मानक पास आएगा तब मैं आपको इसकी पूरी डिटेल बताऊंगा, फिलहाल मैं चैप्टर शुरू करता हूं। देखिए पाशा, घन और पाशा समझने के लिए आपको मेरी क्लास जो है ध्यानपूर्वक समझनी है और देखनी है। यानी संसार में ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जिसे आप समझ नहीं सको। बस ये है कि आप पूरे मनोभाव से, पूरे मन से उस चैप्टर को देखो, समझो। अगर कोई चीज समझ में नहीं आए तो आप कमेंट्स में डाल देना, मैं आपको दोबारा से समझा दूंगा। आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे विपरीत फलक पता करना या अज्ञात फलक पता करना। विपरीत फलक पता करना, देखिए आज हम पढ़ रहे हैं साधारण पाशा, और साधारण पाशे में हम पढ़ेंगे विपरीत फलक पता करना। देखिए जो ये पाशा होता है इसमें कुल 6 फलक होती हैं। फलक क्या होती हैं? देखिए जैसे आप किसी कमरे में बैठकर पढ़ रहे हो तो कमरे की दीवारें गिनो, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, टोटल 6 दीवारें होती हैं। यानी 4 दीवार और एक छत और एक परस, इस प्रकार टोटल 6 परस्ते होती हैं या 6 फलक होती हैं। इसी प्रकार इस पासे में टोटल 6 फलक होती हैं,
एक दो तीन चार पांच छः, ये जो आप सतह देख रहे हो ये पृष्ठ कहलाती हैं, फलके कहलाती हैं, या इन्हें हम सतह भी कह सकते हैं। तो एक पासे में छह फलक होती हैं, ठीक है। और हम बात करें इसके कोणे की, तो इस पासे में आठ कोणे होते हैं। जैसे आप किसी कमरे में बैठे हो तो कमरे के कोणे गिनिए, जो फर्श होते हैं उसमें चार कोणे होते हैं, चार कोणे, और जो छत होती है उसमें भी चार कोणे होते हैं, तो चार नीचे और चार ऊपर। आप अपने कमरे में बैठकर आंखें बंद करके मुझे याद करिए, जरूर आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। तो आप कमरे में कोने गिन लीजिए, टोटल कोने होंगे आठ। तो देखिए इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस प्रकार टोटल आठ कोने होते हैं। देखो कोई भी मार्केट में कोई भी ट्रेंड आता है, कोई भी नई चीज आती है, तो उसका गाना फेमस हो जाता है, तुरंत ही फेमस हो जाता है। तो थोड़े दिन पहले जब ये लूडो गेम आया था, तब एक यूट्यूब पर एक गाना भी चला था, आजा छोरी लूडो खेला, आजा छोरी लूडो खेला, तू जीते मैं हारा। तो इस प्रकार हर ट्रेड का एक गाना चलता है, तो इस लूडो पर भी एक गाना आ चुका था। तो आज हम लूडो ही खेलेंगे, और खेल खेल में देखो मैं आपको इस चैप्टर का पहला पार्ट करवा दूंगा, विपरीत फलक पता करना। देखिए आपको जैसे कि ये पासा दिख रहा है, और इस पासे में जो पहली जो फर्स्ट है उस पर नंबरिंग है एक, और इस एक के पीछे है छह, ठीक है। मैं आपको अच्छे से दिखा रहा हूं, दोबारा देखिए, ये नंबरिंग एक है और इस नंबरिंग के पीछे है छह। तो देखो जब तक आपको एक दिखाई देगा तो छह दिखाई नहीं देगा। हाँ दोस्तों देखिए क्यों, क्योंकि इसका नियम है विपरीत फलक कभी दिखाई नहीं देती। आप मेरे से नजर मिलाओ एक बार पूरे गौर से मेरे से नजर मिलाओ, नजर मिली, नजर से नजर मिला रहे हो। तो देखिए आप जब मेरे से नजर मिला रहे थे तब आपको पीछे वाली यानी आप जो बैठे थे उसके पीछे वाला भाग दिखाई नहीं दे रहा था। यही पासे का खेल है, जब आप एक को देखोगे तो आपको छह दिखाई नहीं देगा, यानी विपरीत फलक दिखाई नहीं देगी। ये देखिए ये पांच है और पांच के पीछे दो है, ठीक है। जब तक आपको पांच दिखाई देगा दो दिखाई नहीं देगा। और इसी प्रकार ये देखिए छोटा पासा, ये साधारण पासा है क्योंकि इसमें एक के विपरीत छह नहीं है। अगर एक के विपरीत छह होता तो ये मानक पासा होता, लेकिन आज हम साधारण पासा पढ़ रहे हैं, और चाहे साधारण पासा हो और चाहे मानक पासा हो, हम पढ़ रहे हैं विपरीत फलक पता करना, अपोजिट साइड, जस्ट अपोजिट साइड, ठीक है। तो देखिए ये देखिए एक के विपरीत है तीन। अब मैंने छोटा पासा ले लिया, कंफ्यूज मत हो जाना, ये बड़ा पासा था, ये छोटा पासा है, ये मानक पासा है, ये साधारण पासा है, ठीक है। तो कोई सा भी पासा हो, अगर एग्जाम में आपको विपरीत फलक पता करना अगर ये पूछ लेता है, तो मैं आपको दो विधि देता हूं, और उन दोनों विधियों को ध्यान से समझ लेना और आज का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। सिर्फ 5 मिनट का खेल है, 5 मिनट का। ये देखिए आपको नंबर चार दिखाई दे रहा है और नंबर चार के विपरीत दो है, तो जब तक आपको चार दिखाई देगा दो दिखाई नहीं देगा। जब तक चार दिखाई देगा, चाहे वो किसी भी तरफ दिखाई दे, किसी भी तरफ दिखाई दे, आपको दो दिखाई नहीं देगा। लेकिन जैसे ही आपको दो दिखाई देगा, हाँ शायद आपको दो दिख गया, बहुत अच्छे, जब आपको दो दिखाई देगा तो चार दिखाई नहीं देगा। देखिए दो दिख रहा है तो चार नहीं दिखेगा, चार दिखेगा तो दो नहीं दिखेगा, ठीक है। तो यानी विपरीत फलक हमें दिखाई नहीं देती है। जब मैं क्लास लेता था तो कुछ लड़कियां कहती थी मुस्कुरा के कि सर ये पासा कैसे बनाते हो, तो मैं आपको बता दूं, देखो पासा कैसे बनाते हैं उन्हीं की भाषा में। ये एक चौकोर चौकोर बॉक्स है, मान लो तुम्हारे लिए कोई बर्फी का डब्बा लेके आए, चौकोर बॉक्स, ठीक है। और उसके साइड में ऐसे दो दो रेखाएं खींच दीजिए। हम ये कह सकते हैं कि एक ये डब्बा है और डब्बे के ऊपर ये दो रेखाएं हैं, दोनों रेखाओं को एक धागे से बांध दो, और धागे से बांधने के बाद जैसे भैंस की पूंछ आती है,
पूंछ को लटका दो और इसे टच कर दो, ये बन गया हमारा पासा। ठीक है, ऐसे आपको एग्जाम में दो आकृति, तीन आकृति, चार आकृति या पांच आकृति दे तो घबराना नहीं है, घबराना नहीं है आपको, चाहे दो आकृति दे चाहे तीन आकृति दे, हमारा नियम वही रहेगा। तो देखिए मैं बात नहीं कर रहा हूं मानक पासे की, मैं बात नहीं कर रहा हूं साधारण पासे की, हम पढ़ रहे हैं विपरीत फलक पता करना। देखिए विपरीत फलक कैसे पता करते हैं, इस पासे की हमें तीन फलक दिखाई दे रही हैं, यानी तीन पृष्ठे दिखाई दे रही हैं जिनके ऊपर नंबरिंग है दो, मेरे साथ बोलिए नंबरिंग है दो, नंबरिंग है तीन और नंबरिंग है छह। ये देखो ये जो आपको ये दूसरा पासा दिखाई दे रहा है इसकी नंबरिंग है एक, इसकी नंबरिंग है पांच और इसकी नंबरिंग है दो। ये एक ही पासा है, ये एक ही पासा है जिसको दो बार घुमा के दिखाया गया है। देखिए एक बार आप मुझे इधर से देख रहे हो और एक बार आप मुझे इधर से देख रहे हो, मैं तो हूं तो वही, चाहे आप किधर से देख लो लेकिन नजरों का कमाल है तुम देखते किधर से हो। ठीक है, यहां देखिए अब दोनों पासों एक पासे की ये दो आकृतियां हैं और इन दोनों आकृतियों को ध्यान से देखिए, नंबरिंग देख दोबारा देखिए, नंबरिंग छ दो तीन पांच दो एक। अब हमें इसमें कोई भी संख्या के विपरीत पूछ सकता है, वो ये पूछ सकता है कि जब बताओ इस आकृति जब इस फलक पर तीन है तो नीचे वाली फलक पर कौन सा अंक होगा, नीचे वाली फलक पर। हमें यह भी कह सकता है कि छह के विपरीत अंक क्या होगा, हमें यह कह सकता है कि एक के विपरीत, पांच के विपरीत, दो के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो विपरीत अंक पता करने के लिए देखो आपको एक मैं छोटी सी ट्रिक बता रहा हूं, इनके नंबरिंग देख लीजिए और उस नंबर को पकड़िए जो दोनों में कॉमन है, उस नंबर को पकड़िए जो दोनों में कम है, दोनों में कॉमन है, सॉरी दोनों में कॉमन है, उभयनिष्ठ है। तो देखिए तीन नहीं है, छह नहीं है, दो है, मिल गया, पकड़ लो। और पकड़ने में आप माहिर हो, पकड़ने में आप माहिर हो मुझे पता चीज। तो देखिए इसमें भी नंबर दो है और इसमें भी नंबर दो है, तो दोनों को पकड़ लो और पकड़ने के बाद पता है तुम क्या करते हो, ऊपर और नीचे। तो ये दो ऊपर और दो नीचे, दो ऊपर और दो नीचे, पकड़ने के बाद उस कॉमन अंक को मैंने ऊपर नीचे कर दिया और ऊपर नीचे करने के बाद पहले तो मैं इसको घुमाऊंगा और वो भी घड़ी की दिशा में घुमाऊंगा। तो देखिए यहां से जब घड़ी चलती है क्लॉकवाइज हम चलेंगे तो दो के बाद तीन और तीन के बाद छह, तो दो के बाद तीन और तीन के बाद छह। ध्यान रखना इसमें दो से चला है तो इसमें भी दो से चलेंगे और वो भी चलेंगे क्लॉकवाइज, तो दो के बाद एक और एक के बाद पांच, तो दो के बाद एक और एक के बाद पांच। देखिए हाँ दोस्तों अब हमारा प्रश्न सॉल्व हो गया है। तो छह के नीचे देखिए छह के नीचे क्या है, पांच, तो ये एक दूसरे के विपरीत हैं। हमें एग्जाम में पूछे कि बताओ छह के विपरीत क्या होगा तो हम कहेंगे पांच, हमें पूछे पांच के विपरीत क्या होगा, छह, तीन। देखिए दोस्तों तीन के विपरीत होता है एक, तीन के विपरीत होता है एक और एक विपरीत हो गया तीन। अब देखिए दोस्तों इसमें देखिए दो के विपरीत दो आ रहा है, लेकिन दो के विपरीत दो कैसे हो सकता है, आप अपने पीछे कैसे हो सकते हो, नहीं हो सकते। तो देखो इस पासे में टोटल नंबर होते हैं वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स, इस प्रकार टोटल छह नंबर होते हैं, एक दो तीन चार पांच और छह। तो आप ये खुद देखिए कि दो के विपरीत दो कैसे हो सकता है, तो ऐसा कौन सा नंबर है जो गायब है जो हमें दिख नहीं रहा। तो देखो नंबर एक भी आ रहा है, नंबर दो भी आ रहा है, नंबर तीन आ रहा है, नंबर चार अपनी आंखों से ओझल है, नंबर चार हमें इसमें दिखाई नहीं दे रहा, नंबर पांच है, नंबर छह है, तो जरूर दो के विपरीत कौन सा अंक है, चार, क्योंकि चार गायब है। तो इससे हम किसी भी प्रश्न का जवाब दे सकते हैं, पांच के विपरीत छह, तीन के विपरीत एक, एक के विपरीत तीन, दो के विपरीत चार और चार के विपरीत दो। चलो इसी क्रम में थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं।
इसके लिए आप लिख सकते हो उभयनिष्ठ अंक को पकड़ करें, उभयनिष्ठ अंक को पकड़ेंगे और ऊपर नीचे करके, और ऊपर नीचे करके घड़ी की दिशा में। अब अगर घड़ी से, क्योंकि आजकल मोबाइल चल गया है, मेरे हाथ में भी घड़ी नहीं है, क्योंकि मोबाइल फेमस हो गया है, मोबाइल में टाइमिंग दी जाता है, यूट्यूब चैनल हैं, हम फिल्में देख सकते हैं, कुछ कहानियां पढ़ सकते हैं। तो घड़ी की दिशा नहीं समझ में आई तो ये समझना फेरे, ध्यान रखना दोस्तों, हमेशा जो फेरे होते हैं वो भी क्लॉक वाइज यानी घड़ी की दिशा में ली जाते हैं। तो फेरे तो याद होंगे ही होंगे, क्योंकि कुंवारों के सबसे ज्यादा अरमान यही होते हैं कि चाहे नौकरी मिले या न मिले, फेरे तो होने ही चाहिए। तो फेरों की जैसे जिस प्रकार हम फेरे लेते हैं उसी प्रकार उसको घुमा देंगे, हम ये भी कह सकते हैं कि घड़ी की दिशा में घुमा देंगे। देखो, उभयनिष्ठ अंक को पकड़ेंगे और ऊपर नीचे करने के बाद उसे घड़ी की दिशा में घुमा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम पढ़ेंगे। मेरा प्रश्न है, पांच के विपरीत अंकों का देखिए, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कौन सी संख्या उभयनिष्ठ है, कौन सी संख्या दोनों में कॉमन है। तो देखिए, पांच इसमें पांच नहीं है, दो इसमें दो नहीं है, इसमें छह तो इसमें भी छह, यानी दोनों पासों में हमें छह अंक दिखाई दे रहा है जो उभयनिष्ठ है। तो ऊपर छह और तो इसी को हम पकड़ लेंगे, ऊपर छह और नीचे भी छह। देखो, छह को पकड़ लिया और इसमें भी छह को पकड़ लिया, दोनों में छह कॉमन है तो मैंने दोनों में छह कॉमन ले लिया, छह को ऊपर लिख दिया और छह को नीचे लिख दिया। और घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज, सर एंटी क्लॉकवाइज नहीं घुमा सकते क्या? घुमा सकते हो मेरे दोस्तों, घुमा सकते हो, लेकिन याद रखना आप इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो आप इसको भी एंटी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा। देखो, वैसे तो क्लॉकवाइज चलें तो ही बेस्ट है, क्योंकि फेरे जो होते हैं वो क्लॉकवाइज ही लिए जाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज नहीं, क्योंकि वो अशुभ होता है, शुभ नहीं होता है, इसलिए आप इसको क्लॉकवाइज ही लें। देखो, इसमें छह कॉमन था और इसमें छह कॉमन है, दो में छह कॉमन है दोस्तों, तो छह को पकड़ लिया और पकड़ने के बाद घुमा देंगे, तो घुमाएंगे। देखिए, छह के बाद क्या है, पांच, और पांच के बाद तो छह के बाद पांच और पांच के बाद दो, छह के बाद एक, एक के बाद तीन, छह के बाद एक, एक के बाद तीन। देखिए, क्लॉकवाइज जो घुमाया है वो छह के बाद एक और एक के बाद तीन। तो देखिए, दो के विपरीत अंक होगा, दो के विपरीत अंक है तीन, तीन के विपरीत अंक होगा दो, पांच के विपरीत अंक है एक, एक के विपरीत अंक होगा पांच, छह के विपरीत अंक है चार, चार के विपरीत अंक होगा छह, क्योंकि चार गायब है, छह के विपरीत छह नहीं हो सकता है। आप खुद खुद के पीछे कैसे हो सकते हो, खुद खुद के विपरीत कैसे हो सकते हो? तो छह के विपरीत देखो, एक आया, दो आया, तीन आया, पांच आया, छह आया, तो छह के विपरीत चार। अब मेरा प्रश्न था कि पांच के विपरीत, पांच के विपरीत, तो पांच के विपरीत होगा एक, पांच के विपरीत होगा एक, क्योंकि एक हमें देखो पांच के विपरीत होगा एक। अब इसका आप उत्तर की जांच भी कर सकते हो, जब आपको पांच दिखाई देगा तो एक दिखाई नहीं देगा, और एक दिखाई देगा तो इसमें पांच दिखाई नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? दो
दोस्तों अगर पांच ऊपर है, यदि पांच ऊपर है तो पांच के विपरीत, पांच के विपरीत यानी पांच के विपरीत यानी नीचे, क्योंकि ये ऊपरी फलक पर बैठा है तो इसका जो विपरीत होगा वो तली में बैठेगा, नीचे की ओर बैठेगा जो दिखाई नहीं देगा। दोस्तों जब आप कमरे में बैठकर पढ़ रहे हो तो एक बार मेरे कहने से आप पंखे को देखिए और पंखे की पंखड़ी गिनिए, कितनी पंखड़ियां हैं पंखे में। तो आप गिनो एक बार और गिनोगे तो गिनिए 1 2 3। जिस रूम में मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें तीन पंखड़ियां हैं, एक पंखे की तीन पंखड़ियां हैं। तो जब आप तुम ऊपर की ओर देख रहे थे यानी तुम जब पंखे को देख रहे थे तो क्या तुम्हें फर्श नजर आ रहा था? आ रहा था? नहीं आ रहा होगा और नहीं आएगा। जब हम फर्श को देखेंगे तो छत नजर नहीं आएगी और जब हम छत को देखेंगे तो हमें फर्श नजर नहीं आएगा। तो इसी प्रकार जब पांच ऊपर है, देखो आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताओ पहले पासे के पैंदे में या तली में कौन सा अंक है। वो ये भी कह सकता है यदि ऊपर तीन हो तो तली में कौन सा अंक होगा, तो तीन के विपरीत दो। तो मेरा प्रश्न था पांच के विपरीत, तो पांच के विपरीत है एक। इसी क्रम में देखो आपको पासे में जो है, आपको पासे में वो 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग दे सकता है, बिंदु दे सकता है, ABCD दे सकता है और रंग दे सकता है। जैसे अगला क्वेश्चन आपके लिए, एक पासे पर है लाल, पीला, हरा, नीला, गुलाबी, सफेद रंग रंगे हुए हैं। एक पासे पर है लाल, पीला, हरा, नीला, गुलाबी, सफेद रंग रंगे हुए हैं। इसे देखकर बताइए कि इसे देखकर बताइए कि लाल के विपरीत रंग होगा। हाँ दोस्तों लाल के विपरीत रंग होगा, यह हमारा पासा है। मेरा प्रश्न है लाल के विपरीत रंग होगा, लाल के विपरीत। तो देखिए ध्यान से देखिए दोनों में, इसमें देखो गुलाबी रंग है तो इसमें गुलाबी नहीं है, पीला रंग है इसमें पीला नहीं है, दोनों में कौन सा कलर मैच हो रहा है, दोनों में हरा कलर मैच हो रहा है। तो हरा ऊपर है और हरा नीचे, अगर हरा ऊपर है तो हरा ही नीचे होगा। और अब हमें इसको घड़ी की दिशा में यानी क्लॉकवाइज घुमा देंगे, हरे के बाद जो रंग है वो है गुलाबी और गुलाबी के बाद जो रंग है वो है पीला, हरे के बाद इसमें रंग है सफेद और सफेद के बाद है इसमें लाल। देखिए मेरा क्वेश्चन था लाल के विपरीत रंगो, लाल के विपरीत, तो देखिए लाल और पीला ये बैठा, तो लाल के विपरीत रंग होगा पीला और पीले के विपरीत होगा लाल। ये तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं कि गुलाबी रंग के विपरीत, गुलाबी रंग के विपरीत, तो गुलाबी रंग के विपरीत है सफेद और सफेद रंग के विपरीत है गुलाबी। अब हमें वो पूछ रहा है कि हरे के विपरीत, हरे के विपरीत, तो हरे के विपरीत हरा नहीं हो सकता है, तो ऐसा कौन सा रंग है जो हमारी इस टेबल में नहीं आया, जो हमारी इस टेबल में नहीं आया हरे के विपरीत। हाँ दोस्तों हरे के विपरीत, तो हरे के विपरीत देखिए गुलाबी आया, देखो ऐसा कौन सा कलर है जो इस टेबल में नहीं आया, गुलाबी आ गया, सफेद आ गया, पीला आ गया, आप चाहो तो कट करते जाओ, देखो
गुलाबी, गुलाबी आ गया, सफेद आ गया, पीला आ गया, लाल आ गया, अब बचा, देखो अब बचे दो कलर, हरे और नीले। तो इस हरे के विपरीत है, हरे के विपरीत है नीला, और नीले के विपरीत है हरा। तो आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया है तो चैनल को लाइक करें। आगे पढ़ते हैं, देखो इसमें तो क्या है, एक फलक उभयनिष्ठ। अब हम पढ़ेंगे यदि हमें दो फलक उभयनिष्ठ दे दे, दो फलक उभयनिष्ठ, दो फलक उभयनिष्ठ। देखिए ये पासा है, ये दो दो पासे हैं, इसमें नंबरिंग है 5 2 4, इसमें है 6 2 5। देखिए दोनों पासों में दो संख्याएं कॉमन है, 2 और 5, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है। तो देखो यदि दो संख्याएं उभयनिष्ठ हो, यदि दो संख्याएं उभयनिष्ठ हो तो आपको क्या करना है, ऊपर 2 तो नीचे भी 2, उन दोनों को ऊपर नीचे लिखना है, ऊपर भी 2 और नीचे भी 2, ऊपर 5 और नीचे भी 5, यानी जो संख्याएं कॉमन है, जो संख्याएं कॉमन है उनको ऊपर नीचे लिख दो, और ऊपर नीचे लिखने के बाद जो संख्याएं बच गई हैं, जैसे यहां पर 4 बच गया और इस पासे में 6 बच गया, इस पासे में 4 बच गया और इस पासे में 6 बच गया, तो 4 के विपरीत होगा 6 और 6 के विपरीत होगा मेरे दोस्तों 4। तो कि सर अगर हमें एग्जाम में ये पूछ ले कि 5 के विपरीत क्या होगा, तो देखो दोस्तों इसमें दो संख्याएं गायब हैं, देखो दो संख्याएं गायब हैं, कौन कौन सी, एक तो गायब है 3 और एक है 1, इसमें दो संख्याएं गायब हैं 1 व 3। तो अगर एग्जाम में हमें पूछ ले कि 2 के विपरीत क्या होगा, 2 के विपरीत क्या होगा, यदि एक संख्या गायब होती तो मैं ये कह देता कि वही आंसर होगा, लेकिन इसमें दो संख्याएं गायब हैं। देखो 2 के विपरीत, 2 के विपरीत, आपको एक बात बताता हूं मैं, जब मैं 10th क्लास में पढ़ रहा था तो मेरा एक पेन, मेरा पेन मेरे जो जो पड़ोस में, मैं क्या है हमेशा लड़कियों के बीच में बैठता था, और एक पेन मेरा एक लड़की चुरा के ले गई, लेकिन जब मुझे पता चला तो मेरी जो बगल वाली दो लड़कियां हैं वो गायब थी, तो मैं कन्फर्म नहीं कर पाया कि मेरा जो पेन है वो सीता ले गई या मेरा पेन गीता ले गई, मैं आज भी कन्फ्यूज हूँ। मैंने दोनों से पूछा, तू ले गई, तो उसने भी कहा नहीं मैं तेरा पेन थोड़ी ले जा सकती हूँ, तो मैंने दूसरी से पूछा तू ले जा गई, नहीं नहीं ऐसे तो हो ही नहीं सकता क्योंकि तुम तो मेरे फेवरेट हो, मैं तुम्हारा पेन कैसे, मैं तो ले, तू मेरा पेन ले ले अगर तेरा पेन चोरी हो गया है, तो आज भी मैं कन्फ्यूज हूँ कि मेरा पेन लेकर कौन गई। ठीक है, तो अगर हमें पूछ ले कि 2 के विपरीत, कि 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा, तो यहाँ पर दो संख्याएं गायब है 1 व 3, हम कंफर्म नहीं कर सकते, आज क्या पूरी जिंदगी कंफर्म नहीं कर सकते कि 2 के विपरीत क्या होगा, तो इसका आंसर हमें यही देना पड़ेगा कि 2 के विपरीत या तो 1 या 3। 5 के विपरीत पूछ ले तो 5 के विपरीत भी हमारा आंसर होगा या तो 1 और या 3, यानी हम ये कह सकते हैं कि इस प्रश्न में हम दो ही प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं कि 4 के विपरीत 2, सॉरी 4 के विपरीत 6 और 6 के विपरीत 4। छोड़ो इन बातों को, देखो यदि दो फलक उभयनिष्ठ हो, यानी इस पासे में दो संख्याएं कॉमन है, आप देख रहे होंगे ध्यान से, एक तो नंबरिंग 2 और एक नंबरिंग 5, एक नंबरिंग 2 और एक नंबरिंग 5,
ये दो संख्याएं कॉमन है, दो संख्याएं उपनिष्ठ हैं। तो आपने देखो मकर संक्रांति लगभग हमेशा मकर संक्रांति 14 तारीख की आती है, 14 जनवरी की, 14 जनवरी की मकर संक्रांति आती है। और मकर संक्रांति के दिन जो पतंगबाजी होती है, आपने देखा होगा अपने राजस्थान में जो पतंग महोत्सव है, पतंग महोत्सव है वो जैसलमेर, जैसलमेर में प्रसिद्ध है। पतंग महोत्सव जैसलमेर में मनाया जाता है, लेकिन जो पतंगबाजी है, पतंगबाजी है वो जयपुर में। मैं भी अधिकतर जब पतंग उड़ाने जाता हूँ तो जयपुर में ही जाता हूँ, और जयपुर की पतंगबाजी फेमस है, क्योंकि वहां पर छतों पर बहुत ही सुंदर सुंदर लड़कियां पतंगबाजी करती हैं, और बहुत ही सुंदर सुंदर लड़के भी पतंगबाजी करते हैं, और एक पतंगों का झमेला सा आसमान में दिखता है। उस दिन आसमान में आसमान कम और पतंगे ज्यादा दिखाई देती हैं, और उस दिन शोर शराबा बहुत ज्यादा होता है। यानी पतंगबाजी जब होती है तो जोर से चिल्लाती है लड़कियां, लड़कियों का एक ग्रुप होता है और लड़कों का एक ग्रुप होता है। लड़के कहते हैं ये काटा, तो लड़कियां बोलती हैं वो काटा। तो इसी प्रकार यदि दो संख्याएं कॉमन हो तो तुम भी जोर से आवाज लगा देना, दो से दो ये काटा, दो से दो ये काटा। अब उधर से लड़कियां आवाज लगाएंगी, बोलो पांच से पांच वो काटा। यानी दो से दो कट गया और पांच से पांच कट गया, क्या बचा? चार। तो जो दो संख्याएं बची हुई हैं ये एक दूसरे के विपरीत हैं। बोलो, चार के विपरीत है छह और छह के विपरीत है चार। तो पतंग काटने वाली जो जो मैंने पतंग काटने वाला जो प्लान बताया है वो आपको पसंद आया होगा। तो चलो आगे पढ़ते हैं। हाँ, याद रखना, यदि एक संख्या कॉमन हो तो पतंग मत काट देना, नहीं तुम्हारी तुम्हारी डोर कट जाएगी एग्जाम में। इसी क्रम में देखिए, ये भी एक पासे का ही रूप है। ये देखिए, इसमें भी देखिए, मेरा प्रश्न है, पांच के विपरीत अंक होगा, पांच के विपरीत अंक होगा, देखिए दो से दो ये काटा, दो से दो ये काटा, इसमें दो संख्याएं कॉमन है, दो और छह, तो मैंने दो से दो को काट दिया और छह से छह को काट दिया। हाँ दोस्तों, ये काटा और वो काटा, अब इसमें बच गया पांच और इसमें बच गया तीन, तो पांच के विपरीत अंक होगा तीन और तीन के विपरीत अंक होगा पांच, तो पांच के विपरीत अंक होगा दोस्तों तीन। आपका आंसर बिल्कुल सही है, पांच के विपरीत अंक होगा तीन। अब हमें ये पूछ ले कि बताओ दो के विपरीत क्या होगा। दोस्तों दो के विपरीत, तो दो के विपरीत दो संख्याएं गायब हैं, दोनों में से कोई सा भी आंसर हो सकता है। एक गायब है और चार गायब है, तो दो के विपरीत एक या चार। हमें पूछ ले कि छह के विपरीत, तो छह के विपरीत भी एक या चार। अब इसी क्रम में देखो, मैंने आपको दो मेथड पढ़ाए हैं, एक फलक उभयनिष्ठ और दो फलक उभयनिष्ठ। यदि एक फलक उभयनिष्ठ हो तो फेरे ले लेना, मैंने बता दिया, एक फलक उभयनिष्ठ हो तो फेरे ले लेना पकड़कर, ठीक है। और यदि दो फलक उभयनिष्ठ हो तो पतंग उड़ा देना और काट देना। पतंग काटोगे तो ही भैया जीतोगे, कटवा मत लेना, काटना। अब इसी पासे का एक प्रश्न एग्जाम में आ चुका है। अब हम कुछ बढ़िया प्रश्न करते हैं, पासे के विपरीत फलक पता करने वाले प्रश्न, शानदार प्रश्न। देखिए, जी हाँ दोस्तों, पिछली एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन, आप करिए इसको, आज का आंसर क्या होगा।
चलो देखते हैं, आप वीडियो को प्यूज करके स्टॉप करके और देख सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। तो चलो हम समय बर्बाद नहीं करेंगे और इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। देखिए लड़कों ने क्या लगाया, लड़कों ने कुछ नंबरिंग, इन्होंने नंबरिंग डाला और नंबरिंग डाल के इसको सोल्व किया। देखिए अगर ए बी सी डी आ जाए तो सबसे पहले आप ए बी सी डी आ जाए तो ऐसे देखो ना तो इसमें कोई संख्या कॉमन, ना तो इसमें कोई अक्षर कॉमन है और ना ही इसमें कोई अक्षर कॉमन है और ना ही इसमें इसका कोई कॉमन है, यानी तीनों का आपस में कोई तालमेल नहीं है। यानी ऐसा कोई अक्षर नहीं है जो इसमें और इसमें कॉमन हो या इसमें और इसमें कॉमन हो। अगर कॉमन होता तो हम पकड़ लेते और फेरे ले लेते, और दो अक्षर कॉमन होते तो काट देते, लेकिन ऐसी कोई स्थिति पैदा नहीं हुई कि हम उनमें से कोई सा नियम लगाएं। तो आपको जरूर सोचना होगा, देखिए ए, ए के बाद, ए के बाद आता है बी, इसने बी को खा गया ये, और बी के बाद डाल दिया इसने सी, सी के बाद ये डी को खा गया और डाल दिया ई। यानी एकांतर क्रम में, एकांतर क्रम में दोस्तों एक छोड़कर एक, एक छोड़कर एक, इसे बोलते हैं एकांतर क्रम। एकांतर क्रम में इसने नंबरिंग सीरीज बनाई है, और देखिए एम के बाद ये एन को खा गया और ओ आ गया, ओ के बाद पी को खा गया और क्यू आ गया। हाँ दोस्तों वन बाई वन, इसी प्रकार दोनों में हमें मेथड पता लग गया है कि एक एक अक्षर खा रहा है, एक एक अक्षर खा रहा है, तो हम इसको भी एक एक अक्षर खिला देंगे। एस के बाद देखो इसने टी खा गया, टी, अब टी के बाद यू, यू के बाद वी खा जाएगा और आंसर आ गया डब्लू, आंसर आ गया डब्लू। देखिए एस के बाद टी, टी के बाद यू, यू के बाद वी, वी के बाद डब्लू, तो आंसर आ गया डब्लू। उम्मीद करता हूं आपको प्रश्न अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अब हम इसमें अक्षर वाला क्वेश्चन लेते हैं, अंकों वाला। देखिए और इसने प्रश्न पूछा है, विलुप्त अंक होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, विलुप्त अंक होगा। तो देखिए पहले हम इन दोनों पासों पर अध्ययन करेंगे, दोनों पासों को ध्यान से देखेंगे और देखते हैं कि कौन सा नियम काम करता है, फेरे वाला प्रश्न काम करता है या पतंग वाला प्रश्न काम करता है। देखिए इसमें छह है और इसमें छह कॉमन है, इसमें पांच है इसमें पांच नहीं है, इसमें एक है इसमें एक नहीं है। यानी इन दो पासों में अपना पहला वाला नियम काम कर रहा है, जिसको हम बोले थे फेरे वाली विधि या क्लॉकवाइज दिशा में घुमाने वाली स्थिति। तो देखिए इसमें छह है और इसमें छह है, मैंने छह को पकड़ लिया, ऊपर छह और नीचे छह, छह के बाद हम चलेंगे क्लॉकवाइज, बोलो छह के बाद पांच, पांच के बाद एक, पांच के बाद एक, देखो छह के बाद पांच, पांच के बाद एक, छह के बाद पांच, पांच के बाद एक, छह के बाद तीन और तीन के बाद चार, तीन के बाद चार। अब हमें पता लग गया कि एक के विपरीत चार है, एक के विपरीत चार है, पांच के विपरीत तीन है और छह के विपरीत, हाँ दोस्तों छह के विपरीत दो अंक गायब है, तो दो आंसर छह के विपरीत, क्योंकि दो हमें इसमें कहीं पर भी हमें दो दिखाई नहीं दिया, एक आया, तीन आया, चार आया, पांच आया, छह आया, लेकिन दो कहीं नहीं आया। काफी ढूंढा तुझे लेकिन तू आई नहीं, तो इसी प्रकार काफी ढूंढा दो को लेकिन आया नहीं, तो जरूर वो छुपकर बैठा हुआ है, तो छह के विपरीत हो गया दो। अब देखिए हमें विपरीत फलक नहीं पूछ रहा है, हमें विपरीत फलक पूछता तो हम कह देते कि एक के विपरीत चार, तीन के विपरीत पांच, समझ में आ रहा होगा कुछ, पांच के विपरीत तीन,
दो के विपरीत छह और छह के विपरीत दो। लेकिन अब इसने ये पूछा है कि यहाँ पर अज्ञात फलक पर कौन सा अंक है, तो अज्ञात फलक के लिए अब हमें पास्य को थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा कि हमें ये दो अंक ढूंढने हैं, तीन और चार, हमें दो अंक ढूंढने हैं, तीन और चार, तीन और चार। तो देखिए इसमें ना तो तीन है और ना चार है। अब यहां देखिए तीन, मैंने कहा हमेशा याद रखना क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में चलना है, या हम जो फेरे लेते हैं उसी दिशा में चलना है, बड़े काम की चीज है, कभी लेके देखना। क्योंकि कहा ना, शादी के लड्डू खाए वो पछताए और नहीं खाए वो भी पछताए, तो देख लो किधर भी रहो तुम्हें पछताना तो है ही, लेकिन क्लास ले लेना, पछताओगे नहीं। तो देखो इसमें देखो तीन के बाद चार, तीन के बाद चार क्लॉक वाइज है, क्लॉक वाइज है मेरे दोस्तों, क्लॉक वाइज यानी घड़ी की दिशा में, और इसमें तीन से चार जो है वो क्लॉक वाइज यानी घड़ी की दिशा में है, यानी दोनों का पैटर्न सेम है, दोनों का पैटर्न सेम है, तीन के बाद चार, तीन के बाद चार, तो चार के बाद इसमें क्या है छह, तो इसमें चार के बाद क्या जाएगा छह, और यही मेरा आंसर दोस्तों। समझ में आया होगा, यहां आंसर आएगा छह, छह आंसर आया होगा, क्योंकि इसमें क्लॉकवाइज चले हैं, तीन के बाद चार और चार के बाद इसमें आया छह, तो तीन के बाद चार और चार के बाद छह। कि सर अगर ये कर्म नहीं होता तो क्या होता, अगर ये कर्म नहीं होता तो क्या होता। तो देखिए अगर ये कर्म नहीं होता तो क्या होता, जैसे इसी प्रश्न को मैं वापस लेता हूं, इसी प्रश्न को देखो, मैंने प्रश्न को चेंज कर रहा हूं, याद रखना अब की बार मैं यहां ले रहा हूं चार और यहां ले रहा हूं तीन, यहां ले रहा हूं चार और यहां ले रहा हूं तीन, प्रश्न को चेंज कर दिया है, कंफ्यूज मत होना। अगर कल्पना करो कि यह क्रम उल्टा होता, देखो इसमें तो था तीन के बाद चार और इसमें है चार के बाद तीन, यानी उल्टा सिस्टम है, ये क्लॉकवाइज है और ये एंटी क्लॉकवाइज है, उल्टा है, उल्टा है। ये दूल्हा ये कह रहा है मैं सीधे फेरे लूंगा, दुल्हन थोड़ी टेढ़ी है वो कह रही है तू मैं उल्टा फेरे लूंगी, उल्टे फेरे लूंगी, तो मामला उल्टा हो रहा है, तो उल्टा हो रहा है, तो तुम भी क्या कर देना इसको उल्टा कर देना। छह के विपरीत क्या है दोस्तों, छह के विपरीत दो है, अगर ये उल्टी चलती है आपकी दुल्हन उल्टी घूमती है उल्टे फेरे लेती है, तो तुम भी छह के विपरीत बता दो, के विपरीत क्या है दोस्तों फटाफट बताइए, छह के विपरीत है दो, तो मेरा आंसर होगा दो। आपको प्रश्न समझ में आया गया होगा, आगे पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट अगली क्लास।